I hope I'm audible to all of you. So, first of all, thank you to Pradeep sir and ma'am for organizing this event. And my name is Shiv Malviya, and this year civil services exam, I have secured All India rank 391. And this was my first attempt. I come from Hoshangabad district of Madhya Pradesh, basically from Itarsi town. Yes. So, there is a village named Jajarpur, which is near Itarsi, वहां से मैं पला बड़ा. और 4 जून 2018 को मैंने PS Academy ज्वाइन की और फर्स्ट क्लास लगी थी राणावट ट्रेड सेंटर में. एक कंबाइंड सेशन था बिटवीन MPPSC एंड UPSC और वहां पे मेरा वहां से शुरू हुई मेरी जर्नी टुवर्ड्स बिकमिंग अ सिविल सर्वेंट. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड, माई पेरेंट्स एंड माई टीचर्स हु हेल्प मी इन ट्रांजिशन from there to this side. Today I am here to thank the place where I began from. Here lies my roots as a student. Here in these classrooms were laid my foundation. उधर एक छोटी वाली क्लास है जो सर हमारी हुआ करती थी, वहां पे क्लास लगती थी, वीकली क्लास यहाँ लगती थी, उसके पहले RTC में लगती थी, फिर प्रेस कॉम्प्लेक्स में लगती थी. So there was a journey pura Indore. So and I request all of you to make productive this session. Aap apne doubts jo bhi hai ready rakhein. And isse kya hoga, ek informal session rakhenge. Aur jab main student tha tab mere man mein bhi bahut doubts hua karte the. Main aaj pata nahi us position mein hu ki nahi aapke doubts solve kar paunga. Aapke paas sir aur ma'am hai, aapke paas already bahut acha guidance hai. So I am nowhere to answer them, but still I'll try, and we'll make it an interactive session. And so, sir, फिर मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो मेरे लिए यूनिक रही, जो मैंने यहाँ से सीखी, मैंने बाहर जाके सीखी, और जो मेरे लिए काम की, शायद जिसके कारण मुझे पहले प्रयास में सफलता मिली. कुछ जो मुझे लगता है कि मेरे लिए काम किया, पहले मैं वो बताना चाहूंगा. UPSC को जहां तक मैंने जाना है, इट इज जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी. यहाँ पे शुरुआत से ही हमें खुद को जानना होता है पहले दिन से. और एग्जाम का एक सिलेबस है, एक पैटर्न है, एक हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, हमारे पास गाइडेंस है. तो उनके थ्रू हमें पहले एग्जाम को जानना है, फिर उसके थ्रू हमें खुद को जानना है कि हमारी कैपेबिलिटीज क्या हैं, हमारे लिमिटेशंस क्या हैं, हमारी कैपेबिलिटीज कि हम कितना याद रख सकते हैं, कितना हम कितने घंटे पढ़ सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट है, क्या हमारी स्ट्रेंथ है. साथ ही हमारी लिमिटेशंस कि क्या हम याद नहीं रख पाते हैं, कितनी देर से ज्यादा हम नहीं पढ़ पाते. और जब हम हमारी कैपेसिटीज और लिमिटेशन को कंबाइन करते हैं, तो मैंने पाया कि वहां से निकलता है स्मार्ट वर्क. हर व्यक्ति हर चीज याद नहीं रख सकता, ये दिक्कत सबको आती है. हमारे पास कुछ ही घंटे होते दिन में पढ़ने के लिए, सिलेबस बढ़ता जा रहा है. सिलेबस तो स्टैटिक है, बट पैटर्न इज रैंडम. इस बार का प्रीलिम सबने देखा, इट वॉज अ बाउंसर. सो उसको मद्देनजर रखते हुए एक डायनामिक हमको रहना पड़ेगा. सो द फर्स्ट थिंग आई'd लाइक टू से, इट इज अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ रियलाइजेशन. सेकेंड चीज जो हमें काम करती है और जो मैंने प्रदीप सर से सीखी, वो है एम्फेसिस ऑन थॉट प्रोसेस. UPSC और MPPSC में जहां तक मैंने अंतर पाया है सर, जैसा कि आपने बताया था कि थॉट प्रोसेस, UPSC इज मोर एनालिटिकल. इट ट्राइज टू नो यू थ्रू द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज सेकेंडरी, प्राइमरी इज यू द पर्सनालिटी हु इज गोइंग टू बिकम द सिविल सर्वेंट. सो चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो एक रैंडम सा प्रीलिम्स का PYQ क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, या फिर इंटरव्यू स्टेज हो, हर जगह फोकस और फोकस सिर्फ आप पे, कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आप चीजों को कैसे ग्रैस्प करते हो, उनसे मीनिंग निकालते हो. UPSC अपने नोटिफिकेशन में साफ कहता है इंटरव्यू के टाइम कि इट वांट्स टू टेस्ट द एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड, एबिलिटी टू मतलब आप एक्सप्रेस कैसे कर पा रहे हो चीजों को. सो अल्टीमेटली वही मुझे लगता है कि आगे एक सिविल सर्वेंट को काम आती है. और मेरी जर्नी बहुत सिंपल रही है. इट वॉज नॉट, मतलब पहले अटेम्प्ट में मेरा तो मैं ज्यादा
एक्सपीरियंस है नहीं मुझे इन चीजों का, मैंने इट वॉज अ स्मूथ जर्नी आइट से रहता, सो मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं बोलने को. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स. और मैं बताना चाहूंगा कि मैं 4 साल इंदौर में रहा एक्सेप्ट द कोविड पीरियड, 2 वेव्स ऑफ कोविड. और मेरी मम्मी घर से अलग मेरे साथ रही यही इंदौर में, मेरे पापा घर पे रहे दादा दादी के साथ. यस, सो एक पार्टीशन हुआ हमारे घर का कि आधा घर उधर था, आधा घर हमारे साथ इधर था. और फिर एग्जाम के लिए फिर हम भोपाल गए, तो फिर मेंस का सेंटर क्योंकि भोपाल होता है तो हम वहां शिफ्ट हुए. फिर वहां से दिल्ली शिफ्ट हुए आफ्टर बिफोर इंटरव्यू आफ्टर मेंस रिजल्ट. सो मैं बस यही है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल हियर एट दिस मोमेंट एंड इट्स वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी बिकॉज मैं देख पा रहा हूँ कि यही वो क्लासरूम से जहाँ हम बैठा करते थे, मस्ती किया करते थे, लंच खाया करते थे और पीछे सर क्रिकेट खेलते थे और हम बॉलिंग करते थे. और बढ़िया लग रहा है. थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर. एंड आई नो कि बहुत प्रोडक्टिव ये सेशन तब होगा जब आप अपने क्वेश्चंस रेडी रखें, प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के लेके, मेंस के लेके, इंटरव्यू को लेके. सर कैन वी डू लाइक दिस क्वेश्चन आंसर सेशन? यस. सो एनीबॉडी विथ एनी क्वेश्चंस, आप अपना क्वेश्चन बता सकते हैं. एंड यस प्लीज. वो ये पूछ रही है कि कभी एमपीपीएससी के बारे में सोचा था क्या उससे पहले? सो मेरी जो जर्नी की शुरुआत हुई थी, मतलब जिस कारण से मैं मेरे गांव से बाहर निकला था, वो यूपीएससी नहीं, वो एमपीपीएससी था. क्योंकि यूपीएससी से बहुत डर लगता था और एक पिक्चर क्लियर नहीं थी, और इनफैक्ट काफी टाइम तक एग्जैक्ट डिफरेंस भी नहीं पता था एमपीपीएससी एंड यूपीएससी में. सो द प्रेलिमिनरी टारगेट विच आई सेट वॉज एमपीपीएससी. मुझे याद है एक कोर्स हुआ था, हमारा फाउंडेशन कोर्स था जिसमें मैं 2 साल रहा, उसमें फर्स्ट ईयर कंबाइंड क्लासेस रही थी एमबीपीएससी और यूपीएससी की. सो देयर आई वॉज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स एमबीपीएससी एज यू आस्क. एंड एक साल के बाद फिर वो उस बैच का डिवीजन हो गया, यूपीएससी वाले अलग, एमबीपीएससी वाले अलग. तो शुरुआत मैंने एमबीपीएससी से ही की थी, बट देन आई शायद उस टाइम पे एमपीपीएससी की वैकेंसीज भी नहीं आ रही थी, मतलब टाइमली नहीं चल रहा था तो. और मुझे सूट भी नहीं किया एमपीपीएससी, मोर फैक्चुअल मैंने देखा. आपने सही कहा यूपीएससी का सिलेबस लंबा है, बट एमपीपीएससी को मतलब फैक्चुअल ज्यादा है, तो मुझे फैक्ट्स उतने कंफर्टेबल नहीं रहता मैं फैक्ट्स के साथ. सो देन आफ्टर ग्रेजुअल स्पेंडिंग 1 ईयर इन दैट फाउंडेशन कोर्स, आई रियलाइज दैट यूपीएससी इज द थिंग विच आई वॉन्ट टू डू. सो और उस टाइम टाइम भी था मेरे पास, मैंने 2018 से कोचिंग चालू की थी, मेरा पहला अटेम्प्ट 2022 में था. सो देयर वर 4 गुड इयर्स. सो फिर मैं यूपीएससी की तरफ ट्रांजिशन हुआ. सो थैंक यू. थैंक यू.